नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। संसद के सत्र के बीचों बीच जंतर मंतर पर किसानों ने आज फिर किसान संसद आयोजित की। उधर सदन में विपक्ष ने पेगासस के मुद्दे पर सरकार को घेरा। इस सब के बीच किसानों ने फिर से 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च निकालने का भी ऐलान कर दिया है। आज प्राइम टाइम में हम बात करेंगे कि क्यों सरकार कृषि कानून को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है और क्यों विपक्ष इस मुद्दे पर सियासत करता नजर आ रहा है। कृषि कानूनों की वापसी को लेकर सड़क से लेकर सब तक संग्राम मचा हुआ है। नवंबर से शुरू हुआ किसानों का संघर्ष अब 8 महीने पूरे कर चुका है, लेकिन अभी तक इसको लेकर सरकार की तरफ से कोई समाधान नहीं किया गया। सरकार भी पूरे मामले में जिद पर अड़ी दिखाई दे रही है। उधर किसानों ने भी दो टूक बोल दिया कि वो अपनी मांगों से एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। सोमवार को भी किसान महिलाओं ने किसान संसद की जिम्मेदारी संभाली। किसान संसद में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से महिला किसान मोर्चे में पहुंची थी। इस दौरान महिलाओं ने कृषि कानून खासकर मंडी एक्ट पर अपने विचार रखे थे। एक तरफ तो किसान संसद के जरिए किसान सरकार को चुनौती देते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ किसान नेता सरकार को चुनावी राज्यों में घेरने की रणनीति भी बना रहे हैं। खुद राकेश टिकैत ने भी साफ साफ बोल दिया कि यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में वो बीजेपी का विरोध करेंगे और 15 अगस्त को ट्रैक्टर यात्रा निकालेंगे। पूरा संयुक्त मोर्चे ने 8 महीने आंदोलन करने के बाद में ये निर्णय लिया कि हम उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब और पूरे देश भर में जाएंगे, किसानों से अपनी बात रखेंगे, उनके सामने मीटिंगें रखेंगे, गांव-गांव तक जाएंगे और सरकारों की जो पॉलिसी है वो एड क्या देती है और काम क्या करती है उसके बारे में बातचीत करेंगे, बताएंगे। ये सारी चीजें हम बताएंगे, जाएंगे 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में बड़ी पंचायत वहां पर रखी है, उस पंचायत से इस आंदोलन की शुरुआत होगी। ये पूर्ण रूप से काम होगा। जिस तरह से कैमरा, कलम और किसान के ऊपर बंदूक का पहरा है, ये पहरा हटाना पड़ेगा। कोई पत्रकार बंधु अगर खबर लिख देगा किसान के पक्ष की तो उसके वहां पर छापे लगेंगे। ये हालात है देश में, मतलब पूरा देश एक तरह से कैप्चर है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि किसानों का आगे का क्या प्लान है। 15 अगस्त को किसानों की ट्रैक्टर परेड, चुनावी राज्यों में आंदोलन का विस्तार, 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में बड़ी पंचायत, 15 अगस्त को जींद में तिरंगा फहराने का कार्यक्रम, हरियाणा सरकार से मांगी तिरंगा फहराने की अनुमति। उधर इस सबके बीच संसद की कार्यवाही को बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्र में विपक्षी सांसदों का हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। मंगलवार को सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो पेगासस मुद्दे को लेकर विपक्ष के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। पार्टी के लोग मिलके फिर एक बार हमने पेगासस इश्यू उठाया और फार्मर्स का भी उठाया, तो चर्चा के लिए गवर्नमेंट तैयार नहीं है और हम ये चाहते हैं कि चर्चा हो और सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में वहां पर इसको इंक्वायरी हो जाए और जो कुछ भी है वो बाहर निकलेगा। सभी देश, सभी विदेश में, जब फ्रांस में इसकी इंक्वायरी चल रही, खुद इजराइल में चल रही है, हंगेरी में, जर्मनी में, सब जगह इसकी इंक्वायरी। मुझे समझ में नहीं आता कि यहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्यों इस चीज को छिपाना चाहती है। आप ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, आप ये कहते हैं इसमें कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी नहीं है तो छुपा रहे क्यों? जैसा दूसरे देशों में इंक्वायरी हो रही, आप उसी ढंग से करना चाहिए। सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी संसद ट्रैक्टर पर पहुंचे थे और कृषि कानूनों की वापसी की मांग की थी। एक तरफ किसान कानूनों को वापसी लेने की मांग पर अड़े हैं, दूसरी तरफ सरकार किसी भी कीमत पर कदम खींचने को तैयार नहीं। ये बात कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर कई बार दोहरा चुके हैं। ऐसे में सरकार किसान में संघर्ष कब तक चलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
तो सड़क से संसद तक कृषि कानून की वापसी को लेकर संग्राम हो रहा है, लेकिन वो भी काम नहीं आ रहा है। अगर काम आ रहा होता तो शायद इस पर बातचीत होती, लेकिन कृषि कानून की वापसी को लेकर एक तरफ किसान अड़े हुए हैं, दूसरी तरफ सरकार भी अड़ी हुई है। सरकार भी कानून वापस लेने को तैयार नहीं है और किसान चाहते हैं कि सरकार कृषि कानून को वापस ले। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर समाधान कैसे निकलेगा, क्योंकि 8 महीने से लगातार जो किसान हैं वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, लेकिन 8 महीने बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। और चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के जो मेहमान हैं उनसे आपको मिलवा देते हैं। अमित नेहरा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर स्वागत है आपका। सतीश नंबरदार महासचिव भाक्यू के हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर आपका भी स्वागत है। हुकुम सिंह भाटी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर आपका भी स्वागत है। ओम प्रकाश डाबला प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर आपका स्वागत है। और रजत पंजेटा प्रवक्ता एनएलओ हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सवाल भाटी जी से, भाटी जी क्या सरकार किसानों को लेकर या किसानों को उनके हाल पे छोड़ दिया है, या किसानों के आंदोलन से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्या? 8 महीने हो गए। खालिद हसन जी देखिए, लोकतंत्र में फर्क तो एक बहुत छोटी सी बात से भी पड़ता है, क्योंकि लोकतंत्र में संविधान नहीं, फर्क पड़ रहा होता तो शायद कुछ समाधान हो गया होता सर। 8 महीने कम नहीं होते हैं। खालिद जी मेरी बात को पूरा होने दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है और उसको बड़ी शालीनता से सुना भी जाता है। जहां तक जो कृषि कानून में जो जो बदलाव हुए हैं उसकी बात है, और जो ये विरोध जो चल रहा है, अगर उसके संदर्भ में आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। सरकार का एक एजेंडा बहुत पहले से जो किसानों ने मांग की, अब से नहीं कांग्रेस के समय, अगर वो मांग नहीं थी, लोग कहते हैं किसान नेता बहुत सारे कहते हैं कि कोई मांग ही नहीं थी, अगर मांग नहीं थी तो कांग्रेस पार्टी 2012 में इसलिए कृषि कानून लाना चाहती थी, मंडी को खत्म कर रही थी, एमएसपी खत्म कर रही थी। तब तो अभी उस समय तो आप भी एमएसपी मांग रहे थे, एमएसपी पर कानूनी गारंटी मांग रहे थे, आज किसान मांग रहा है तो क्यों नहीं दे रहे? सुनिए जरा, कांग्रेस पर किस लिए सारी कार्रवाई कर रही थी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस समिति के जो मुख्यमंत्रियों की समिति थी उसके अध्यक्ष थे, और ये मंडी को खत्म करना चाहते थे, व्यवस्था खत्म करना चाहते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार मंडी व्यवस्था एमएसपी को बरकरार रखते हुए किसान जो कानून में कुछ संशोधन लेके आई, जिससे किसान को आजाद किया गया, जो किसान वर्षों से ये मांग कर रहा था। लेकिन लेकिन अब किसान अब तो इसे आजादी का प्रतीक नहीं, गुलामी का प्रतीक मान रहा है भाटी जी। नहीं नहीं, आप चंद लोग, हम कहते हैं किसान नहीं, ये तथाकथित किसान है, हमें कहने में कोई गुरेज नहीं। क्यों? किसान तो अपने खेत में लगा हुआ है। ये वो लोग हैं जो पॉलिटिक्स, फिर बात किससे कर रहे थे आप? जिन लोगों को कह रहे हैं तथा कथित है, उन तथा कथित से बात क्यों कर रहे थे भाटी जी? जब तथा कथित आप सर, आप लोग फर्क ही नहीं कर पाते हैं। आप लोग किसान में और तथा कथित में फर्क ही नहीं कर पाते हैं, सबको तथा कथित कह रहे हैं, किसी को मवाली कहेंगे किसानों को। क्या लगता है क्या इससे समाधान हो जाएगा? सुनिए जरा, तथाकथित किस लिए? तथाकथित इसलिए कि जब वो कानून की अवहेलना करने लगे वो लोग, तो किसान कैसे हो सकता है? किसान ने कभी कानून की अवहेलना नहीं की, वो देश का निर्माता है। अभी अभी जो 8 महीने से बैठे हैं सर, वो कौन सा अवहेलना कर रहे हैं? ठीक है, ठीक है सतीश नंबरदार जी, ठीक है। अगर कोई ठीक है सर, आपकी बात हो गई, जरा किसान नेता को भी इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं ना सतीश नंबरदार जी। ठीक है सर, ठीक है भाटी जी, प्लीज जरा सतीश जी को भी मौका दीजिए। सतीश जी, सवाल यह है कि आखिर कब तक आप लोग इस तरह से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और कितना और इंतजार करेंगे? सरकार तो सुनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। भाटी साहब, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, किसान तो कथाथित हो या ना हो, लेकिन आपकी सरकार कठपुतली सरकार जरूर है, क्योंकि ये सरकार किस तरह चंद उद्योगपतियों के हाथों में खेलती हुई देश को आज
अघोषित आपातकाल की तरफ धकेल रखा है आपकी ये सरकार ने। और माननीय मंत्री जी की बता दूं, माननीय मंत्री जी की इतनी हिम्मत नहीं जो प्रधानमंत्री जी को जो ब्रीफिंग कर सके। ये सब आप सिर्फ आपकी सरकार है, टोटाइज की सरकार है। ये किसानों को आज किस बात पर भरोसा किया जाए आपका? आपने कौन सी चीज पर आप सच्चाई हो या बोलते ना कांग्रेस वो कर दी थी। जिस देश में कमजोर विपक्ष हठी सरकार, उस देश में लोकतंत्र का हनन और मीडिया तंत्र का हनन आज किस तरह केंद्र में बैठी भाजपा सरकार कर रही है, ठीक है। जो चंद उद्योगपति ओम प्रकाश प्रवक्ता कांग्रेस के भी बने हुए। ओम प्रकाश जी, सवाल यह है, कल राहुल गांधी ने टॉप गियर लगा दिया, सीधे वो ट्रैक्टर लेके संसद भवन पहुंच गए, क्या इससे कांग्रेस की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? क्या कांग्रेस इसी तरह का कानून लाना चाह रही थी 2012 में, जो आज बीजेपी, कभी कांग्रेस पर बीजेपी आरोप लगाती है, कभी बीजेपी पर कांग्रेस आरोप लगाती है, किसान कहां जाएगा इन दोनों के बीच में? कांग्रेस पार्टी पहले भी किसानों के साथ थी, कांग्रेस पार्टी भी साथ है, किसानों के साथ थी और आज भी साथ है। हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने पहले दिन से ही आवाज उठाई थी कि किसानों के लिए जो ये कानून बनाया है, ये काला कानून है और इसको वापिस लेना ही पड़ेगा। और आज भी जब संसद के अंदर किसानों की कोई बात नहीं सुनी जा रही, नहीं चुने हुए सांसदों की कोई बात सुनी जा रही है, हंगामा तो विपक्ष कर रहा है ना। ओम प्रकाश जी, जब वहां पर किसानों के मुद्दे पे कम से कम डिबेट तो करना चाहिए आप लोगों को। हंगामा रोज हो रहा है, सदन की कार्यवाही चल नहीं रही है और समय व्यर्थ जा रहा है। जब खाली जी, जब सदन में कार्यवाही इस बात पे लिए है, जब कृषि कानून पर वे बोलने के लिए नहीं रहे, कानून को वहां कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, तो कहां करेंगे? सिर्फ अपोजिशन के लिए यही तो है कि वो सड़कों पर जाएं, लोगों को दिखाएं कि हम कितने सड़क पर गए कांग्रेस के कार्यकर्ता कितने किसानों की आवाज आपने उठाई है? सिर्फ ट्विटर पर आवाज नहीं उठता ओम प्रकाश जी, देखिए किसान आप लोगों को सोचना चाहिए। आप लोग सियासत कर रहे हैं, किसान कब तक बैठा रहेगा? 8 महीने का वक्त कोई कम नहीं होता। जहां भी जाते हैं और कांग्रेस पार्टी हर जगह लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। हमारे कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो किसानों की इस लड़ाई में उनका साथ नहीं दे रहा। हम उनका कंधे से कंधा मिला करके उनका साथ दे रहे हैं, चाहे हमने से चंडीगढ़ में धरना देने की बात हो, रजत जी जिला लेवल पे इनेलो प्रवक्ता रजत जी की बात हो, रजत जी कांग्रेस पार्टी इनेलो की क्या रणनीति है? इनेलो की क्या रणनीति है? क्या सिर्फ किसानों के धरना स्थल पर पहुंच जाने से अपनी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? निश्चित तौर पे बिल्कुल नहीं। जो आप कह रहे हैं कि हम ये पूरे आज से लड़ाई थोड़ी ना लड़ रहे हैं, ये धरने जिला स्तर पे धरने हर हमने हेडक्वार्टर के ऊपर ज्ञापन दिए, बल्कि आपको मैं बता दूं 19 जुलाई 2020 5 जून को ये अध्यादेश के रूप में लाए गए थे और हमने अपनी स्टेट कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाकर 19 जुलाई 2020 को इन तीनों काले कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने का काम किया था, जो पूरे देश में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं थी, पूरे देश की बात कर रहा हूं मैं, और कोई भी मुझे नहीं लगता उस वक्त किसी ने आंदोलन भी शुरू किया था। तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक ऐसी पार्टी थी पूरे देश के अंदर जिसने इन काले कानूनों के खिलाफ सबसे पहले प्रस्ताव पारित करने का काम किया, और हम तो कब से हर हेडक्वार्टर पे धरने दे चुके हैं सारे के सारे, हम तो ज्ञापन तक सौंप चुके हैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। जानकारी तो मुझे है कि जानकारी तो है रजत जी, जानकारी तो है, लेकिन जहां पे रह के आपको आवाज उठानी चाहिए थी, जिस सदन में आपने पहले इस्तीफा दे दिया और फिर चुनाव की बात कर रहे हैं अभी आप। आप गलत, आपके पास इस बारे में भी गलत जानकारी है। बिल्कुल सही जानकारी है, विधानसभा में रहकर आप आवाज उठा सकते थे, आपके एक विधायक आवाज उठा सकते थे। 1923 का स्वराज पार्टी का गठन क्यों हुआ था आपको पता होगा, जब सदन में जाने से कांग्रेस ने इनकार किया तो स्वराज पार्टी बनी, क्योंकि वो चाहते थे कि बाहर की आवाज सदन में उठाए। आप सुनेंगे तो इसका आपको निश्चित तौर पर जवाब मिलेगा। बोलिए, अगर आप विधानसभा की बात करते हैं तो विधानसभा के पटल के ऊपर अकेले चौधरी अभय सिंह चौटाला थे, उनके इतने वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल हैं, विपक्ष तो पूरा कांग्रेस तो वॉकआउट कर गई थी, उन्हें 2 घंटे तक अकेले अभय सिंह जी बोलते रहे थे, और वो भी इससे पहले एक और जो मॉनसून सत्र था उनमें तो इनके एजेंडे पे भी नहीं था ये। हमारी तो जो मोशन लिस्ट थी, जो हमने मैटर उठाए थे, सबसे पहले ही
जो कोरोना के काल के अंदर जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 3 दिन का सत्र 3 घंटे में खत्म करने का काम किया था, उसमें भी हमारे जो कॉलिंग अटेंशन मोशन थे उसमें नंबर 1 पर यह मुद्दा था। और जब अगला उनको उसको कंटिन्यू किया गया, जो अगला सत्र आया उसके अंदर तो अकेले चौधरी अभय सिंह चौटाला थे जो बोलते रहे, जिन्होंने लड़ने का काम किया। आप क्या बात करते हैं, बल्कि आपने अभी ये जो कांग्रेस के ऊपर सवाल उठाया, अगर राज्यसभा में देखिए, अगर राज्यसभा में शोरगुल हो गया, वोटिंग नहीं हुई, तो क्या ये कांग्रेस का दायित्व नहीं बनता था कि वहां पे ये सारे के सारे एमपी बाहर धरना करके अपना त्याग पत्र सौंपने की बात करते? नहीं तो वोटिंग कराइए, नहीं तो हम त्याग पत्र सौंप रहे हैं, पूरी राज्यसभा ठप हो जाती, कितना बड़ा मुद्दा बनता। क्या ठीक है, वो किसान भी देख रहे हैं कि कौन सियासत कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है राजनीतिक पार्टियों का। लेकिन हमारे साथ अमित जी भी लगातार बने हैं, अमित नेहरा वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमित जी, एक बात जानना चाहेंगे, आप देख रहे होंगे इस डिबेट में कभी कांग्रेस पर बीजेपी आरोप लगाती है, बीजेपी पर कांग्रेस आरोप लगाती है, एनएलओ कांग्रेस पर आरोप लगाती है, इससे क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? किसान जिस मकसद के लिए बैठे हैं, क्या उनका मकसद पूरा हो जाएगा, या सियासी जमीन ढूंढ रही है राजनीतिक पार्टियां? बहुत सारे पहलू आपने पूछे, कोई स्पेसिफिक एक पहलू पूछा हो तो एक पे अपन विस्तृत बात कर सकते हैं, लेकिन आपने जो पूछा है उसका मोटा मोटा जवाब ये है। देखिए, जिस काम को विपक्ष ने नहीं निभाया अपनी जिम्मेदारी से, वो काम खुद किसानों को करना पड़ रहा है। आज जो ये 8 महीने हो गए हैं, किसानों की मेहनत है। और अभी आपने सवाल किया कि ये कानून कांग्रेस लेके आई थी, फिर बीजेपी ले आई जो पास होना था, तो बात सही है। उसमें अरुण जेटली थे विपक्ष के नेता, जब जीवित थे तो उन्होंने विरोध किया था इन कानूनों का, अगर ये वही ड्राफ्ट है तो। भाई, अगर बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस लेके आई थी, तो जेटली जी ने विरोध किया था, तो उस समय हो सकता है कि इनका हृदय परिवर्तन हो चुका होगा। तो कई सारी बातें हैं, बात ये है, मुद्दा अब ये है। अब आपने एक सवाल किया, तो देखिए, इनेलो से आपने सवाल जवाब किया जिरे की, ठीक है, आपने स्वराज पार्टी का भी नाम लिया कि उन्होंने फैसला किया, लेकिन स्वराज पार्टी उसके बाद कितनी चली? चीजें ये नहीं होती कि स्वराज पार्टी ने फैसला कर लिया कि हम जाएंगे सदन में, तो क्या लगता है इनेलो भी आगे नहीं चलने वाली है? देखिए, आप ये देखें कि पूरे देश में जितनी विधानसभाएं हैं या सांसद हैं, जितने लोकसभा के राज्यसभा के, तो सिर्फ एक ही व्यक्ति तो है विधायक जिसने इस्तीफा दिया। अरे नहीं, आवाज उठाने के लिए तो सर एक ही व्यक्ति नहीं, आवाज नहीं, जब आवाज सुनी ही नहीं जाएगी। अब कांग्रेस ने अल्लाह मचाया होगा या नहीं मचाया होगा, लेकिन कानून पास हो गए। लेकिन कांग्रेस अगर सारी इस्तीफा दे के आ जाती, भाई हमें सुनना ही नहीं जा रहा, तो हमारा फायदा क्या बैठने का? तो उस पर मोरल प्रेशर बनता है। आप अगर हरियाणा की राजनीति देखें तो पहला इस्तीफा नहीं है मुद्दों के ऊपर। 1986 में चौधरी देवीलाल और मंगल सेन उस समय बीजेपी के विधायक थे, दोनों भी इस्तीफा दिया था। जो अपना पंजाब और हरियाणा के बीच में जो समझौता कराया था राजीव गांधी ने, उसके विरोध में। तो ये कोई नई बात नहीं है, भाई इस्तीफा से मोरल प्रेशर पड़ता है, भाई जब हमारी सुनी ही नहीं जाएगी, भाई आप वहां बैठोगे, ठीक है, इस्तीफे से आपके हिसाब से मोरल प्रेशर बढ़ता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं जी। लेकिन सवाल ये, फिर आप चुनाव के लिए चिल्ला क्यों रहे हैं? भाई वो उनका हक है, संवैधानिक हक है। हक तो तभी था, आपको हक मिला था, आपको अंदर रखने बात नहीं। देखो देखो, ऐसा नहीं है, उसमें ये है कि आपको साबित भी करना है, भी हम चुन के भी आएंगे। आपको नहीं लगता कि एक सियासी स्टंट है, चाहे राहुल गांधी कल ट्रैक्टर लेके गए या फिर इस तरह के इस्तीफे का? आप पहले ये स्पष्ट करें कि ये सियासी पार्टियां सियासत नहीं करेंगी तो क्या करेंगी? भाई उनका धर्म है सियासत करना, भाई वो खेती थोड़ी करेंगी, वो उद्योग धंधे थोड़ी चलाएंगी, ठीक है, सियासत है उनका काम करेंगे, ठीक है, लेकिन सियासत गलत नहीं होनी चाहिए। भाई देखिए, 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव होने चाहिए, उसका हक है, ठीक है ना? भाई नहीं अगर कराती है तो भी एक हक तो मारा ही जा रहा है भाई, वो ये थोड़ी है। आप चलो ठीक है, आपकी बात मान ली, भाई 6 महीने में चुनाव हुआ तो क्या पक्का ये है आपको कि वही चुन के आएंगे? आप इस तरह आरोप अगर उन पे लगा रहे हैं, कोई भी चुना जा सकता है। वो कह रहा कि कम से कम इस जो क्षेत्र है जहां से मैंने इस्तीफा दिया, वहां नुमाइंदा तो हो जाए, वही थोड़ी कह रहे कि मुझे भेजो।
जितनी चीजें हैं इस पे थोड़ा सा आपको भी थोड़ा मतलब सा मतलब आपको लगता है कि इसमें कोई सियासत नहीं हो नहीं इसमें सियासत नहीं है वो एक हक मांग रहे हैं भाई उस इलाके को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए बिल्कुल मिलना चाहिए हालांकि मैं कोई इनेलो का लेकिन समर्थक लेकिन लेकिन सब पार्टियों को ये आवाज उठानी चाहिए क्योंकि वहां पे सब पार्टी है ऐसा नहीं है चुनाव तो सब लड़ेंगे अकेले इनेलो तो लड़ेंगे ऐसा सब पार्टी फिर वही बात आ गई ना ये सब तो मिलकर आवाज उठानी चाहिए कि वहां जनप्रतिनिधि हो जिसका जमीर जागेगा वो आवाज उठाएगा ठीक है जी ओम प्रकाश जी सियासत कर रही है कांग्रेस किसानों का तो इतने दिनों से 8 महीने हो गए अगर सच में आप लोग किसान के हितैषी होते तो एकदम किसानों के साथ होते कि कभी 6 महीने पर एक बार ट्रैक्टर लेके चले गए एक बार बैलगाड़ी लेके चले गए एक बार घूम के चले आए और बसते भी हैं कि विपक्ष जो आपके सत्ता में बीजेपी आप पर आरोप भी ना लगाए कि आप लोग इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं डरते क्यों है डायरेक्ट क्यों नहीं समर्थन करते खाली जी एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस काम नहीं कर रही और एक तरफ कह रहे हैं कि सियासत कर रहे हैं देखिए 8 महीने से जब भी ये काला कानून आया है कांग्रेस पार्टी ने इसका शुरू में ही विरोध किया था और करती रही है और जब तक विरोध करती रहेगी जब तक किसानों की ये मांगे पूरी नहीं होगी तो हम बता दें राहुल गांधी जी ने पहले दिन ये कह दिया था कि ये काले कानून किसानों के लिए डेथ वारंट है हमारी हरियाणा प्रदेश कुमारी सहजा अध्यक्ष ने कह दिया था कि हरियाणा में ये जो कानून लागू है किसान हरियाणा के इनके खिलाफ है आज पूरे देश के जितने भी एमपी सांसद जितने भी है बीजेपी के अलावा सारे लोग इनका विरोध कर रहे हैं सारे सांसद इनका विरोध कर रहे हैं सिर्फ एक बीजेपी पार्टी तो है जो इनका समर्थन में और कह रहे थे अभी जो नेहरा साहब कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी अपोजिशन काम नहीं कर रही कैसे काम नहीं कर रही पार्टी शुरू से ही इन काले कानूनों का विरोध करती रही है और बात रही अभी कह रहे थे अपने रजत भाई जी और इस्तीफा नहीं दिया कांग्रेस के आते आपके पास कांग्रेस के विधायक के इस्तीफा देने से क्या समाधान हो सकता था देखिए जब तक हम इनकी आवाज को विधानसभा में नहीं उठाते तो ये कैसे गौर करते विधानसभा में पूरे जोर शोर से जवाब दीजिए उठाया था उसके बाद विधायक जब वही चला गया था इनकी बातों को कौन उठाएगा इनको ये तो अपनी जिम्मेवारियों से भागे जिम्मेवारियों से ऐसे भागना नहीं चाहिए था इन्होंने सबके मुकाबला करना चाहिए था विधानसभा में जवाब सुनिए ठीक है रजत जी बोलिए देखिए जी देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बारे में आते हैं आपके पास आ रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बारे में उस वक्त सारा का सारा विपक्ष सारा का सारा मीडिया के जो बड़े सूझबूझ वाले पत्रकार हैं वो सब ये मान रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास जो है वो नंबर्स नहीं है वो 6 महीने का जीवन दान देने जा रहे हैं पहले तो सबसे पहले नंबर सुनिश्चित कीजिए अपने कॉन्फिडेंस में विधायकों को दीजिए तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है आप अंदर ले खाते आपने भाजपा सरकार की मदद करी है ये बात आप मान लीजिए हम डिबेट्स में हमें कैसे पता मैंने खुद ने डिबेट्स में वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने से पहले एक बार नहीं कम से कम 10 बार ही पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पूरे टीवी पे आके ये बात कही थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है यहाँ भाजपा सरकार की मदद करने जा रहे हैं और अगर उनको बोलना ही था तो जब उनके पास मौका था तो क्यों बाहर भागे क्यों वॉकआउट किया पूरी की पूरी कांग्रेस में वहां पे लड़ते ना लड़ाई वहां अकेले अभय सिंह जी बोलते रहे अब मैं इनके ऊपर बात आता हूँ ये जो कांग्रेस वाले बोल रहे हैं देखिए जो हमारे देश के आज प्रधानमंत्री है जब गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे अपना मोदी जी तो उन्होंने शरद पवार एग्रीकल्चर मिनिस्टर को ये पत्र लिख के कहा था कि आप एमएसपी पे कानून बनाइए एमएसपी की गारंटी दीजिए आज भाजपा जो बात करती है एपीएमसी मंडियां खत्म करने की और बाहर हम लेंगे बाहर कोई मंडी फीस नहीं होगी सिर्फ पैन कार्ड अरे पहले सुनिश्चित कीजिए किसान का हक ना मारा जाए इन काले कानूनों में क्या होना चाहिए था कि अगर 12 घंटे 24 घंटे में जैसे आज सरकार बोलती है हम 48 घंटे में पेमेंट करेंगे क्या आते कानून में कहीं लिखा है कि किसान को हम 48 घंटे में पेमेंट नहीं मिली तो हम उसको जेल में डाल देंगे दूसरे को आप पैन कार्ड के ऊपर भाटी जी जवाब दीजिए जल्दी से भाटी जी जल्दी से जवाब दीजिए हमें एक ब्रेक पे जाना होगा बिल्कुल जल्दी से आप जवाब दीजिए रजत जी रजत जी प्लीज जवाब ले लीजिए सबसे पहले मैं अमित मेहरा जी की बात पर आता हूँ अमित मेहरा जी ने कहा कि अरुण जेटली जी का हृदय परिवर्तन हो गया पहले विरोध किया बिल्कुल नहीं आप सुषमा जी ने पार्लियामेंट में बयान दिया था आप वो क्लिप निकलवा लीजिए ठीक है
भाटे जी हमें अभी यहाँ पे छोटे सा ब्रेक के लिए रुकना होगा, आप ही से आएंगे तो रिएक्शन लेंगे, लेकिन सवाल यही है कि आखिर किसान कब तक बैठे रहेंगे समाधान की आस में, क्योंकि 8 महीने का वक्त बीत चुका है, ऐसे में अब और कितना। ठीक है सर, भाटे जी हो गया। सतीश जी को भी कहना चाहूंगा, सतीश जी ने एक बार भी ये नहीं कहा इन तीनों कानूनों में वो कौन सा प्रोविजन है जो किसान के खिलाफ है। एक भी किसान नेता ये तो कई बार आपको बता चुके हैं, कई बार बता चुके हैं, अगर खिलाफ ना बताते तो अब बात कैसे छोड़ के भागते। केवल राजनीतिक उद्देश्य से काला कानून कहेंगे तो ये देश के लिए ठीक नहीं है। ठीक ठीक है, नेहरा जी पहले जवाब दीजिए, फिर सतीश जी के पास आते हैं, आपके लिए भी कुछ कह रहे हैं। अगर पार्टी जी को ये लगता है कि मैंने गलत बात कह दी है तो फिर इनको ये नहीं कहना चाहिए था कि कांग्रेस लेके आई थी उस समय ये कानून, ठीक है ना, तो इनको कह देना चाहिए वो कुछ और चीज लेके आई थी। जब वो चीज ही अलग थी तो आप उसका जिक्र क्यों करते हैं? अगर यही चीज थी तो आपने समर्थन क्यों नहीं किया, अमेंडमेंट करवा लेते उस समय? भाई ये तो खाम का धोखा हो गया भाई, सीधी सी बात है, या तो वो अलग चीज लेके आई थी तो आप विरोध कर रहे थे, अगर यही चीज थी। आप बीच में मत, नहीं 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 ना, आपका टाइम हो चुका है, सुन लीजिए, आप सुनने की क्षमता रखिए, आपके पास फिर आएंगे आप जब आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा। दूसरी बात ये है, अगर बात चलनी पड़ी है तो ये अकेला खालिद किसान आंदोलन नहीं है, ये जन आंदोलन है। ये कह रहे हैं ना कि वहाँ पे किसान नहीं है, भाई किसान ना हो तो जन आंदोलन और मवाली जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना कोई तो सर लगता नहीं है कि कभी समाधान किया इससे कुछ दिखाई दे। तो देखो इनकी संस्कृति होगी इस तरह की शब्द कहने की, लेकिन बात ये है भाई, आपने जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है वो किसानों के खिलाफ नहीं बनाया है, देखा जाए वो आम आदमी के खिलाफ है, आम आदमी के खिलाफ है, तो इस जन आंदोलन क्यों नहीं है भाई? आम दूसरा आदमी गैर किसान क्यों नहीं इसका खिलाफत करेगा? आप उसको किसान नहीं कह सकते, जाएगा वो वहां पे। आपने पूरे देश की उपज किसी एक ही व्यक्ति को देने का अधिकार दे दिया, तो कि गलती तो है ये भाई। अगर कल को मान लिया एक ही व्यक्ति पूरे देश के अनाज खरीद ले भाई, बैंकों से लोन लेके प्रोजेक्ट बना के, तो इनके पास उपाय क्या है? अगर उपाय है, यही तो डर है किसानों का, तो ये और यही ये तो जन आंदोलन है। नहीं नहीं नहीं, ये किसान आंदोलन नहीं, ये जन आंदोलन है, हर आम आदमी के खिलाफ है। जन आंदोलन में तब्दील हो चुका है भाटी जी, लेकिन ये आप लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? खालिद जी देखिए, पहली बात तो जो यूनियन है थी वो लगभग 100 से ज्यादा यूनियन है, रजिस्टर्ड यूनियन है। इसमें शुरुआती दौर में 40-42 यूनियन आई, आज जो ये दावा करते हैं वो 20 या 25 लोग यूनियन है इसमें किसानों की रह चुकी हैं। किसान तो खेत में है। दूसरी बात, अभी जो अभी अमित मेहरा जी कह रहे थे एसेंशियल प्रायोरिटी एक्ट को अमेंड कर दिया, उसमें स्टॉक का ओपन कर दिया, उसके अलावा भी देश में कानून है, सरकार के पास बहुत सारे। सर वो कोरोना काल में हम लोगों ने देख लिया है, कोरोना काल में देख लिया है कि कैसे सरसों का तेल 200 पहुंच गया था, अगर छापेमारी होती ना तो ये असर नहीं होता। देखिए बहुत सारे कानून है, मैं कहता हूँ अमित जी, आज तो पत्रकार है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में बना, अब तक 5 या 7 बार उसमें अमेंडमेंट हो चुकी, और आज एक इतना बेहतरीन कानून है जो कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देता है। आप काम करने दीजिए ना, फिर देखिए इसके कहां कंसिक्वेंसेस है, कभी भी अमेंडमेंट हो सकता है। ठीक ठीक है सतीश जी, सतीश जी ठीक है, सतीश जी नहीं चाहते तो क्या क्या संज्ञाएं देना चाहते हैं? ठीक है सर, किसान नहीं मानते, ठीक है, आपके सवालों का जवाब नेहरा जी से ले लेते हैं, उसके बाद और भी गेस्ट हैं। भाटी जी, किसान किसान है, भाटी जी प्लीज प्लीज जल्दी से नेहरा जी अपनी बात जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है भाटी जी, जरा जो सवाल आपने उठाया उसका जवाब तो ले लीजिए सर, बोलिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो इसको बीच में कहां ले आए? कंज्यूमर तो वो हो जाएगा जो पूरी फसल खरीदेगा इनकी किसानों से, तो वो कंज्यूमर है। आप फिर बीच में बोल रहे हैं यार, नहीं छोड़िए आप, अब सुनने का मादा है, आप दूसरे की बारी की भी तो बात, आप सुनने का मादा रखिए, आप सवाल एक तो जवाब भी ले लीजिए, सुनने का मादा तो रखो आप इतने हाइपर क्यों हो रहे हो? मैं जब बात कह रहा हूँ, इसमें कंज्यूमर तो वो व्यक्ति होगा जो पूरी फसल खरीदेगा, उसके हित प्रोटेक्ट करेगा वो कानून। आप इसमें एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहां से ले आए? भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो उसके लिए ही लागू होगा जो उसकी उपज खरीदेगा, क्योंकि वो कंज्यूमर है। आप अजीब बात कर रहे हैं, मैं कुछ और बात कह रहा हूं,
भाई आपने किसी एक व्यक्ति को पूरा अधिकार दे दिया, आप जहां मर्जी जितना मर्जी खरीद लो अनाज, भाई ये तो प्रतिस्पर्धा ही खत्म हो जाएगी। ठीक है ठीक है, सतीश जी जल्दी से आप कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं बाथी साहब को एक बात बता देना चाहता हूँ, माननीय वित्त मंत्री ने क्या कहा था संसद में, तेल हमारे हाथ से निकल चुका है, बाजार के हाथ में है, कल को ये जो खाद्यान्न वस्तु है इसमें भी सरकार ने बोल दिया ये हमारे हाथ से निकल गया, और तो आज गरीब तबका है जो मध्यम वर्ग वो कहां पे जाएगा। आज इस देश के हालात ये हो चुके हैं, हर आदमी की नौकरी जाने का काम, खेत में आज किसानी का काम नहीं कर सकता आदमी। आज ये सरकार हर आदमी को मजदूर बनाने पर तुली हुई है, लेकिन आज किसान समझ चुका है, और जिस देश का कमजोर विपक्ष हो, विपक्ष सिर्फ किसान आज दूध बिल हो रहा है, और विपक्ष सोच रही है घी हम निकाल लें, लेकिन घी भी आज किसान ही निकालेगा। विपक्ष इस तरह के एक दिन के ड्रामे में बहकावे में आने वाला किसान नहीं है, इसका फैसला खुद किसान करेगा। राजद जी, सरकार आखिर पीछे क्यों नहीं हट रही है, क्या वजह है? आप देना चाहूंगा, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। ये सरकार की सिर्फ हट धर्मिता है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि सरकार कानून वापस नहीं ले सकती। अटल बिहारी वाजपेयी ने 11 जनवरी 1999 में इन्हीं के प्रधानमंत्री थे भाजपा के, ऑर्डिनेंस के थ्रू लैंड सीलिंग एक्ट को वापस लिया था उसके जरिए। आज हाउस लगा हुआ है, ये कभी भी हाउस अभी भी चाहे तो ये कानून वापस ले सकते हैं। आप एक बात बताइए, ऐसा क्या है कि हम बार बार ये बोलते हैं कि सरकार जो है कानून वापस नहीं लेगी? अरे क्यों नहीं लेगी, बहुत से उदाहरण है। दूसरा, इन्होंने बहुत ही अपना, देखिए टीवी पे बैठ के कभी अपना मजाक नहीं बनवाना चाहिए। ये इन्होंने बात करी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की, यानी अभी कंज्यूमर कोर्ट के अंदर ये केस लड़े जाएंगे, कैसे लागू होता है मुझे समझ नहीं आया। एक भाजपा के प्रवक्ता टीवी चैनल पे बोल रहे थे राइट टू फूड एक्ट, फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसके अंदर एमएसपी की गारंटी है। अरे वो 5 किलो मुफ्त आटा दाल वाली स्कीम वाली सुनिश्चित करता है। अरे कहीं पे भी एमएसपी का कोई जिक्र नहीं है। आय दुगनी करने की बात इन्होंने करी थी, क्या आय दुगनी करने की बात के अंदर कहीं भी इन कानूनों में, आय दुगनी छोड़िए एमएसपी के ऊपर भी ये कानून नहीं है कि इतने घंटे में किसान को पेमेंट होनी चाहिएगी, और अगर उसके चेक बाउंस हो गए तो कहां से पकड़ के लेके आओगे? आप शक्ति भोग आटा वाला भाग भी नहीं गया रदौर के अंदर कितनों का, ईडी तक का केस चल रहा है उसके ऊपर। अरे पूरे मध्य प्रदेश में उसके उदाहरण है, आधी से ज्यादा मंडियां वहां पे बंद हो गई है, पूरे देश के अंदर मंडियों की कमाई खत्म हो गई है। हरियाणा में 4,500-5,000 करोड़ की कमाई है, आपको पता होना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहते आप ये? उससे हरियाणा की रूरल डेवलपमेंट की जो गांव की सड़कें हैं उसका कल्याण होगा। अरे क्यों नहीं लेना चाहते उनसे? ऐसे उद्योगपतियों से आपका क्या साठगांठ है? अरे आप किसान बीमा फसल बीमा की बात करते हो, उसके अंदर सरकारी कंपनियां हैं, कितनी कंपनियां हैं, यूनाइटेड इंडिया है, न्यू इंश्योरेंस है, उनसे क्यों नहीं करते आप? क्यों नहीं लेते? क्यों रिलायंस इंश्योरेंस से क्यों किसान बीमा का है 1500-1600 करोड़ करा देते हो? अरे ये बात करते हैं इन्होंने अभी बात करी कि इन्होंने कंडेला का जिक्र किया। अरे शर्म आनी चाहिए आपको, बोलते हुए सोच लीजिए आपने क्या बोला है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने ये नहीं कि किसानों की मौत हो गई उसके बाद कुछ सोचा, 75% बिजली के बिल आंदोलन होने से पहले ही माफ कर दिए थे। ये तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाटी जी, भाटी जी की साजिश थी आपको, और उस एनडीए की सरकार में आप पार्टनर। राजद जी आप जरा जवाब ले लीजिए, राजद जी जरा जवाब ले लीजिए, भाटी जी से ही जवाब ले लेते हैं ना। भाटी जी नहीं, खत्म करने दीजिए। और दूसरा, आपने ओम प्रकाश चौटाला जी का नाम लेकर, अरे वो तो पूरे हरियाणा में घूमेंगे। तो बोलिए, आप मैं सुनना चाहूंगा क्या बोलते हैं, बोलिए बोलिए। वही एक कृषि कानूनों के विषय में हो रही है, क्योंकि ना तो ये विपक्ष समझना नहीं चाहता, और जो आंदोलन रत नेता है वो भी समझना नहीं चाहते। जैसे कि अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन है तो कृषि कानून से जोड़ रहे हैं। अरे भाई आप दोबारा सुन लो, मैंने कहा, मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने कहा एक कोई कानून आता है उसमें सुधार की गुंजाइशें होती है। अगर कृषि कानून सुन लो भाई, सुन लो, आपने कंडेला हमने माफ किया, आप सही बता रहे हो टीवी पे बैठ के, और मैंने कहा
कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे नहीं जा रहे हैं। हमारा सवाल वो नहीं है, हमारा डिबेट भी वो नहीं है भाटी जी। डिबेट हमारा ये नहीं है, हमारा डिबेट है कि समाधान कैसे हो। रजत जी और भाटी जी प्लीज प्लीज, आप लोग ट्रैक से अलग ना जाए, ट्रैक से अलग ना जाए। एक कानून को गलत बताना चाहते हैं। सवाल सर ये है कि समाधान क्यों नहीं हो रहा है भाटी जी, सीधा सवाल ये है कि समाधान क्यों नहीं हो रहा है सर। बात आप इधर ले जाए इधर उधर। भाटी जी सवाल ये है कि समाधान क्यों नहीं हो रहा है, क्या वजह है, वो जवाब आप क्यों नहीं दे रहे हैं। खालिद जी देखिए, सरकार ने पहले भी 11 दौर की बातचीत, एक दौर की बातचीत अमित शाह जी और उनके साथ हुई, उन्होंने कभी वो बताया नहीं कौन से उसके प्रोविजन पर उनको क्या बात कर रहे हैं सर। बिना कमियां बात कर बताया, 11 दौर की वार्ता कर ली, बगैर कमियों क्यों 11 दौर की वार्ता कर ली, फिर क्या वार्ता कर रहे थे, क्या वार्ता कर रहे थे। ठीक है ओम प्रकाश जी, ठीक है सर। ओम प्रकाश जी, क्या जो बीजेपी कह रही है कि किसान आज तक बताए नहीं कि कमी क्या है, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है क्या, बगैर किसानों ने कमी बताई है 11 दौर की वार्ता कर ली। देखिए भाटी जी तो बिना सिर पैर की बात कर रहे हैं, किसान बता रहे हैं एमएसपी की गारंटी चाहिए, इनको ये कानून नहीं चाहिए, क्यों बना के दे रहे हैं ये कानून, इसलिए इनको अपनी सोच को बदलना होगा। लग हमें ऐसा रहा है कि ये सरकार दूसरों के हाथों में खेल रही है, इनकी इस कानून उद्योगपतियों के कहने से बनाया है, इसलिए ये नहीं चाहते कि ये कानून को रद्द करें। इसलिए हम ये कहते हैं भाटी जी से कि अपनी ये पार्टी पे जोर दे, किसानों के साथ जायती ना करें। बेचारे 8 महीने से किसान धरना भी दे लिए, प्रदर्शन भी दे लिए, गर्मी सहली, सर्दी सहली, बरसात सहली, और लेकिन फिर भी ये इस कानून को लागू करने के लिए सिर्फ ऐसे ही बात कर रहे हैं। इनको ये बातों को बोल करके अपनी अहम को छोड़ करके और इनको आगे आना चाहिए, इनकी बात को सुनना चाहिए। जब इनको ये पता है कि ये सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो इन्होंने ये किसके कहने से ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। आज तक ऐसा कोई जब कोई लोग चाहते ही नहीं किसी कानून को, ये तो थोप क्यों रहे हैं, इनकी क्या मंशा है, क्या चाहते हैं सरकार क्यों नहीं इतनी अधर्मी कर रही है। इसलिए जब जितने सांसद हैं बीजेपी के सांसदों को छोड़ के सभी सांसद नहीं चाह रहे तो क्यों कर रहे हैं, जब किसान नहीं चाह रहा, मजदूर नहीं चाह रहा, व्यापारी नहीं चाह रहा, तो इस कानून को क्यों लागू करना चाह रहे हैं, ये ऐसी क्या इनके एजेंडा छिपा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, इसका जवाब क्यों करना चाह रहे हैं ये, ठीक है, क्या किसानों को बर्बाद करना चाह रहे हैं, मजदूरों को बर्बाद करना चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन नेहरा जी मेरा एक सवाल यह है कि एक तरफ देश की संसद, दूसरी तरफ किसानों की भी संसद चल रही है, फिर समाधान क्यों नहीं हो रहा है, कहां दिक्कत आ रही है। किसान अपनी संसद के माध्यम से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन लग नहीं रहा कि कोई सुनवाई हो पाएगी। अभी जो स्थिति है, देखिए खालिद, कोई बड़ा पत्थर हो ना, बहुत बड़ी चट्टान हो, वो हथौड़े की आखिरी वार से नहीं टूटती, आपको ये ध्यान में रखना होगा। उस पे हजारों लाखों जब चोट पड़ती है, जब जाके वो आखिरी चोट से टूटता है। अच्छा, तो ये हो रही है, चल रही है चीजें, अब देखते हैं कि कितनी चोटें सह सकती है सरकार और उनमें कितना दम है। और रही बात, फिर वही बात विपक्ष की, देखिए विपक्ष की भूमिका कुछ भी नहीं है इसमें, पूरे प्रकरण में जीरो ही है। 8 महीने से जो धरना चला है जी, कौन बोल रहे हैं आप? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन बोल रहे हैं आप? ओम प्रकाश जी। हाँ तो आपकी बारी आई, जब आप बोल लेना। ओम प्रकाश डावला बोल रहा हूँ। हाँ तो आपकी बारी आएगी, जब बोल लेना आप, ठीक है ना, बीच में आप मत बोलो, ठीक है ना, जहाँ पे आपको बोलना चाहिए था वहाँ पे आप बोले नहीं। ठीक है सर, आप बात पूरी कर लीजिए। बात ये है कि ये जो सारा एक प्रोग्राम, फिर वही बात, आप मैं क्या कह रहा हूँ, जब आपकी बारी आई जब बोल लेना। आपके पास आ रहे हैं अब, जरा नेहरा जी को ज्यादा ज्यादा तेज मत चलो, जवाब ले लेंगे, आपका भी नंबर आएगा। आपको ये क्यों लग रहा है कि आपको टाइम नहीं दिया जाएगा, आपको लग रहा है क्या, आपको डर है कोई? ढावला जी, सर नेहरा जी नहीं, आपको डर है क्या कोई, या आपको कोई रोक रहा है?
या खालिद जी आपको नहीं सुनेंगे, आप बीच में मत बोलिए जी, सुधारिए अपने आप को। जब आप बोलते हैं बीच में वो कोई आ जाता है। सर नहीं, सर, आप मेरे बीच में क्यों बोल रहे हो? आप दीजिए नेहरा जी की, आपका जब नंबर आएगा जब मैं नहीं बोलूंगा आपके बीच में, आपको पूरा मौका मिलेगा। आप इतने उतावले मत हो जी, ठीक है सर, ज्यादा बात रखिए। तो खालिद वही बात है, हाँ तो खालिद बात वही है, जब अध्यादेश आया तो विपक्ष कहीं नहीं था, कोई पंजाब में सुरसुराहट हुई थी, पंजाब में फिर रेल रोकी गई थी, उसके बाद फिर एक दिन दिखे थे राहुल गांधी पंजाब में ट्रैक्टर पे सोफा सेट की सीट लगाए हुए, उसके बाद वो कभी नहीं दिखाई दिए परिदृश्य में, पक्के मोर्चे बने यहाँ पे, कांग्रेस कहीं नहीं थी। जब ये लगा भाई हाँ जम गए हैं यहाँ पे, किसान आगे हैं, पंजाब आ गया है, हरियाणा आ गया है, उत्तराखंड आ गया है, उत्तर प्रदेश आ गया है, राजस्थान आ गया है, तो विपक्ष को भी ये लगा चलो भाई बहती गंगा है हाथ धो लो। ये सारा का सारा जो भी तामझाम है यहां तक लाने का जो श्रेय है 11 दौर की मीटिंग है वो कांग्रेस या इनेलो या किसी और पार्टी की वजह से नहीं हुई थी, वो किसानों के लिए हुई थी। भाई आप बता दें अगर ठीक है आपकी बारी आएगी तो उस 11 दौर की बातचीत में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि था क्या? सरकार ने कांग्रेस या किसी और पार्टी को बुलाया दोबारा? नहीं बुलाया। तो यही देखिए सफलता का राज है इस आंदोलन की, और अभी तक इन्होंने राजनीतिक नहीं बनने दिया, छुटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो देखिए ठीक है, आप कह लीजिए स्टूडियो में बैठ के आप कितना ही शोर मचा लीजिए कि हाँ विपक्ष ने साथ दिया है, विपक्ष ने ये किया है, हकीकत ये है कि जो ये पक्के मोर्चे लगे हैं अभी तक जो सारी सफलता है आंदोलन की इन्हीं की है, इन्हीं की वजह से। ठीक है ओम प्रकाश जी जवाब दीजिए, आप कुछ कह रहे थे बोलिए। चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जिस दिन से इस काले कानून को ले आए हैं उसी दिन से साथ है, लेकिन नेहरा जी तो ये तो क्या कहे नेहरा जी को, ये समझदार खुद ही इनको देखना चाहिए। जब कांग्रेस पार्टी शुरू से ही इनके साथ, क्या अगर हम इनके साथ रहे ना रहे तो ये कहते हैं कांग्रेस पार्टी साथ नहीं रहती, अगर साथ जाते हैं तो कहते हैं कि राजनीति करते हैं, तो इनका तो कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है जी। रजत जी आते हैं आपके पास, आवाज जल्दी से, आप सही आ रही है? हाँ आ रही है सर, जल्दी से आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ तो देखिए कांग्रेस पार्टी ने शुरू से ही इनका विरोध किया है, राहुल गांधी जी ने तो शुरू में ही कह दिया था कि ये किसानों के लिए डेथ वारंट है, और जो पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी इन किसानों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर शुरू से साथ थी और साथ है, और जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे कांग्रेस पार्टी लड़ती रहेगी। राजा जी, राजा जी, राजा जी आप कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है सर, पता है क्या झूठ की काले जी, झूठ की जो होती है ना वो पकड़ बड़ी वो होती है ऊपर वाले के पास, तो ये झूठ तो कम से कम ना बोले कि पहले दिन से साथ है शुरू दिन से। और ये डेथ वारंट का भी कभी राहुल गांधी ने अगर बाद में कभी बोला, हम तो बड़ी शुरू से बोलते आ रहे हैं। देखिए अक्टूबर में पिपली में कांड हुआ था जहां पे लाठियां बरसाई गई थी, हम उसके अंदर हमारे बहुत से कार्यकर्ता, आप सोशल मीडिया के थ्रू भी देख सकते हैं, सारे हमारी पार्टी के जितने अब हमारी पार्टी में किसान ही किसान है तो इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते ना। हाँ हमने इसको राजनीतिक रूप नहीं रंग देने दिया, हमने कहीं इस पे झंडा नहीं लगने दिया अपनी पार्टी का, हमने कहा ये किसान आंदोलन है, इसको जन आंदोलन की तरह लड़ो, ये कभी राजनीति की बेट ना चढ़ जाए। तो जैसे कि अभी नेहरा जी ने कहा कि कैसे ये जहां लड़ना चाहिए था जहां बोलना चाहिए था वह नहीं बोले, आपने खालिद जी आज तक कभी ऐसा कोई उदाहरण सुना है जहां विपक्ष के सारे राज्यसभा के एमपीज ने एक साथ इस्तीफा दे दिया हो? ये सरकार के ऊपर कितना प्रेशर पड़ेगा आप ये सोचिए कि कभी भाजपा विपक्ष में हो और सांसद जो सांसद हैं वो सारे राज्यसभा के, इतनी हालत हो जाए कि मतलब एक तरीके से डेमोक्रेसी तो बिल्कुल ही खत्म ही हो गई ना। तो अगर ये सारे के सारे एक साथ इस्तीफा दे देते आप धरना लगाने के बाद आज दे दीजिए, ये भाजपा के ऊपर कितना बड़ा वो होएगा लोकतंत्र के ऊपर कि सारे के सारे राज्यसभा में एक साथ इस्तीफा दे रहे, कितना प्रेशर पड़ेगा। इन्होंने नेहरा जी ने न्याय युद्ध का जिक्र किया, बिल्कुल सही बात है, वो न्याय युद्ध के टाइम पे चौधरी देवीलाल जी ने और मंगल सेन रोहतक से थे और चौधरी देवीलाल जी मैम से थे जो कि वो दोबारा मैम से जीत कर भी आए थे और भाजपा के मंगल सेन इलेक्शन हार गए थे। तो देखिए बहुत आज तक इतिहास में वो चीज याद रखी जाती है,
आज अभय सिंह जी ने जो काम किया वो इसीलिए किया था कि वो एक बारी शुरुआत तो करें, बाकी उसके बाद देखते हैं कि कांग्रेस वालों में इतनी हिम्मत है कि नहीं है। हर रोज तो देखिए विधानसभा का सत्र जरा भाटी जी से भी जवाब दे, खालिद जी, हर रोज तो विधानसभा का सत्र है नहीं, बाद में तो आपको जनता के बीच में ही जाना है, हर रोज लड़ाई तो वही लड़नी है। बिल्कुल, तो अगर आप इस्तीफा एक साथ देंगे तो देखिए सिर्फ अगर सत्ता पक्ष रह जाएगी और विपक्ष हो गई नहीं तो क्या सरकार ये इतना बड़ा लांछन बर्दाश्त कर सकती है? बिल्कुल नहीं। नेहरा जी का कहने का बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ, विपक्ष का जो अगर पूरा एक साथ इस्तीफा दे तो सरकार पे निश्चित तौर पे प्रेशर पड़ेगा, निश्चित तौर। ठीक है भाटी जी, सवाल ये है कि क्या आप लोग जानबूझ के इस मामले को लटका अटका और भटका रहे हैं? वैसे तो कांग्रेस पर ये आरोप लगता है लटकाने अटकाने और भटकाने का, लेकिन आप लोग इसको क्यों लटका कर रख रहे हैं इस मुद्दे को? आप 15 अगस्त को जिंद में सर किसानों ने ऐलान किया है कि वो जो भी मंत्री आएंगे सरकार के वो झंडा नहीं फहराने देंगे, प्रशासन के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, कहा है कि प्रशासन के लोग अगर झंडा फहराएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि जितना देर होगा, जो स्थिति गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में हुई थी, अगर इस तरह की स्थिति अगर जिंद में होगी तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? पहली बात तो देखिए, अगर कोई 15 अगस्त पर झंडा फहराने में व्यवधान करता है इसका मतलब वो देश का सम्मान नहीं करता, देश का उसको नहीं, वो प्रशासन के लोगों को कोई वहाँ पे विरोध नहीं करेगा। उन्होंने ऐलान किया है कि प्रशासन के लोगों का कोई विरोध नहीं है, प्रशासन झंडा फहराएगा वो भी फहराएंगे, लेकिन सरकार के जो मंत्री जाएंगे उसका विरोध करेंगे। अगर वो ऐसा कहते हैं इसका मतलब उनके मन में देश के प्रति समाज के प्रति सम्मान नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मैं आप देखिए इसी डिबेट से और इससे भी बहुत सारी डिबेटों में दो बातें बिल्कुल साफ निकल के आ जाती हैं इन्हीं प्रवक्ताओं के मुंह से निकल के, मैं दो बातें कहूंगा। नंबर एक बात कि हमारे एक साथी ओम प्रकाश जी कह रहे थे कि इस कानून की आवश्यकता क्या है, किसने मांगा है, किसने परिवर्तन मांगा, किसने बदलाव का कहा। भाई अगर नहीं कहा था तो 2012 में भूपेंद्र सिंह होता क्यों समिति के अध्यक्ष बने, क्यों उन्होंने प्रस्ताव पास किया, 2013 का कपिल सिब्बल का पार्लियामेंट का बयान क्यों दिया अगर वो किसानों की मांग नहीं थी। इसलिए कांग्रेस जरा अपने गिरेवान में झांके। दूसरी बात, भाई रजत जी बड़े जोर शोर से कह रहे थे कि हम जो 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 कुरुक्षेत्र में जो आंदोलन हुआ हमारे कार्यकर्ता उसमें थे, हम लोग उस आंदोलन, हम यही तो कह रहे हैं, ठीक है सर, पहले ठीक है, वक्त की कमी है, जरा फाइनल कमेंट भी लेना, मैं अपनी बात जल्दी से सर 10 सेकंड में, इस आंदोलन जल्दी से, केवल और केवल राजनीतिक पार्टियां जो सदन बेस गौरव बेस और ठीक है, केवल ठीक है, गुमराह ठीक है। सतीश जी जल्दी से लास्ट कमेंट, सतीश जी लास्ट कमेंट, ठीक है भाटी जी प्लीज, भाटी जी वक्त की कमी है, लास्ट आखिरी बात तो रखने दीजिए, एक तरफा बोले जा रहे हैं सर, इस तरह से डिबेट थोड़ी होता है सर, इस तरह से डिबेट थोड़ी होता है सर, इस तरह डिबेट थोड़ी होता है वन वे होके। सतीश जी जल्दी से बोलिए, भाटी साहब सुनना, दूसरे को भी बोलने का मौका दीजिए, ये लोकतंत्र है सर, किसान भूखा मरेगा जब आप उसको कोई गारंटी नहीं दोगे। आय दुगने की बात करते हो, कहां कानून में आय दुगनी, अरे एमएसपी भी ले लिया आपने तो, आपने आय दुगने की बात करते भी आपने तो एमएसपी भी ले लिया। आपसे लास्ट कमेंट लेंगे प्लीज, जरा सतीश जी को अपनी बात रखने दीजिए, बोलिए सतीश जी। मैं सिर्फ एक बात बता देना चाहता हूं, आज हिटलरशाही सरकार के खिलाफ आज 200 किसान जा रहे हैं, ये 200 किसान वैसे नहीं जा रहे जो आज ही सरकार को झुकने का काम हुआ है, लाखों किसान आज बॉर्डर पर बैठे हैं। नहीं, एक बात और, आज जो ये मेरे भाई बोल रहे हैं इनलो के प्रवक्ता, इनको बता दूं आज किसान इन पर भी भरोसा नहीं करता, कल को जेजेपी की तरह ये भी बीजेपी के साथ मिल गए तो क्या होगा? ठीक है नेहरा जी, क्या आपको लगता है कि जो किसानों की संसद चल रही है उसका कोई असर होगा सरकार पर, या बातचीत होगी, या फिर वैसे इंतजार करना होगा? जल्दी से सर लास्ट कमेंट। हर एक्शन का रिएक्शन तो होता है खालिद, ये तो एक कुदरत का नियम है, न्यूटन जो थर्ड लॉ है वो भी यही कहता है, ठीक है पे आप जो भी काम करेंगे उसका रिएक्शन तो होगा, लेकिन आप काम तो करें, असर होगा, उम्मीद है बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। रजत जी लास्ट कमेंट के तौर पर जल्दी से एकदम 10 सेकंड में अपनी बात रखिएगा, क्या होना चाहिए, समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा है? अपना भारतीय किसान यूनियन की तरफ से, जो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से है, मैं इनको इस बात का आश्वासन दे दूं यहाँ पे बैठ के कि अभय सिंह चौटाला जी ऐसे नहीं अभय सत्य कहते हैं, मैं आज आपको अपनी जुबान दे रहा हूँ, हम भाजपा के साथ नहीं जाएंगे कभी भी, हम इस्तीफा ही ना देते अगर हमने भाजपा के साथ जाना। ओम प्रकाश जी जल्दी से, पहले तो ये बात सर वक्त की कमी, दूसरा ओम प्रकाश जी दूसरा सर वक्त की कमी है प्लीज, ओम प्रकाश जी कांग्रेस पार्टी सरों से ही
इनके किसानों के साथ थी और साथ रहेगी, संसद साथ से लेकर शहर तक इनकी लड़ाई लड़ती रहेगी और जब तक ये कानून वापस नहीं होगी हुकुम काम करते रहेंगे। 10 सेकंड में बताइए कि समाधान कैसे होगा, जल्दी से, वक्त की कमी है सर। देखिए आज अभी भी बहुत 2 या 3 दिन पहले माननीय नरेंद्र तोमर जी ने ये घोषणा की है और सरकार हमेशा कैसी रही है, आप आइए सच्चे मन से आइए, अगर आप किसानों के हितैषी हैं बताइए कौन से प्रोविजन में कमी है। ठीक है, सरकार बातचीत के लिए कह रहे हैं। ठीक है भाटी जी, अब तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भाटी जी, सरकार तो बार बार कह रही है कि बातचीत के लिए आइए, लेकिन बातचीत के लिए माहौल भी बनाना पड़ता है और माहौल बनेगा तभी दोनों तरफ से बातचीत हो पाएगी। ऐसे में सवाल यह है कि 8 महीने बाद भी आखिर कब तक यूं ही किसान सड़कों पर बैठे रहेंगे, क्या उसको लेकर कोई सरकार की तरफ से ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे समाधान हो। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़।